दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में देश की पहली रैपिड रेल पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई। आज इस ट्रेन के सफर का पहला दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:15 बजे इस ट्रेन का उद्घाटन किया था। 17 किलोमीटर लंबे पहले खंड पर रैपिड एक्स ट्रेनें आज यानी कि 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे से आम लोगों के लिए शुरू हो गई है, जो कि 11:00 बजे तक चालू रहेगी। शुरुआत में ट्रेनें हर 15 मिनट में उपलब्ध होंगी। हालांकि भविष्य में आवश्यकताओं के आधार पर इसमें बदलाव हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस रैपिड रेल का किराया कितना है और रूट क्या है, इसमें कितनी सुविधाएं हैं। बता दें, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। हालांकि अभी ट्रेन सिर्फ 17 किलोमीटर तक के रूट पर शुरू हुई है। गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदी नगर से होते हुए कम से कम 1 घंटे में ये दिल्ली से मेरठ तक का सफर तय कर लेगी। फिलहाल ये ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर के रूट पर ही चलेगी। ये इस ट्रेन का पहला चरण है, जिसमें पहले साहिबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन यानी कि कुल 5 स्टेशन बनाए गए। रैपिड एक्स के स्टैंडर्ड क्लास में किराया 20 रुपए से शुरू होगा और वहीं प्रीमियम क्लास में ये टिकट 40 रुपए होगा। स्टैंडर्ड क्लास से साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का किराया 100 रुपए होगा। NCRTC ने कहा है कि 90 सेमी से कम हाइट वाले बच्चे मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे और यात्री इसमें अपने साथ 25 किलो तक के सामान को साथ ले जा सकेंगे। इसकी टिकट आपको मेट्रो की तरह ही मिलेगी, यानी कि आप काउंटरों, टिकट वेंडिंग मशीनों से टिकट खरीद सकते हैं। ये ट्रेन दिखने में आकर्षक तो है ही, साथ में यात्रियों के इसमें सुविधाएं भी अनुकूल है। ये मेट्रो की तरह नजर आती है। पूरी ट्रेन में AC होने के साथ ये लंबे सफर के लिए यात्रियों के लिए आरामदायक सीट लगाई गई है। मेट्रो के अंदर कॉरिडोर में भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। इस ट्रेन में एक बार में करीबन 1700 यात्री सफर कर सकेंगे। RRTS ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये ट्रेनें पटरियों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। ये ट्रेन 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। 6 कोच वाली इस ट्रेन का लुक बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह है। RRTS को उन यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है जो तेज गति और शांत तरीके से लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।